हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा गेट रेडी विद मी वीडियो, जहाँ पर मैंने ये लुक आप सबके साथ इस वीडियो के थ्रू मैं शेयर करूँगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ऑफर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गाइस, purple.com पे चल रहा है सेल, मॉनसून मानिया सेल। सो वहाँ पर आपको बाय वन गेट वन मिल रहा है गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पे। अगर आप रोज़ हिप सीरम लेते हैं या फिर आप गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम लेते हैं तो उस पर बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा है। एंड साथ ही साथ बायोटिक पे चल रहा है बाय टू गेट वन, एंड वाओ पे चल रहा है अप टू 40% ऑफ। सो बहुत सारे सेल चली हुई है, बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे अपने हेयर को टाई करना काफ़ी पसंद है आप सबको, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो ना तो आपको पता होगा। इसके बाद मैं लॉरियल पेरिस का बेस बजिक यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ फेस पे, जिससे मेरे जितने भी फेस पे ओपन पोर्स है छोटे छोटे वो ब्लर आउट हो जाएंगे। और इसके बाद मेरा फाउंडेशन, मेरा बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नाउ आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एले गर्ल का ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मॉनसून मौसम चल रहा है, कभी बारिश तो कभी इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी। तो गाइज मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, जस्ट पूरे फेस पे मैंने यहाँ पे कंसीलर लगाया है। जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नाउ एक डैम्प स्पॉन्ज मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, देन इसके बाद मैं अपने फेस पे इसे सेट कर रही हूँ। जो कंसीलर है अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का लग्जरी बनाना पाउडर और अपने फेस को बेक कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स करके दिखा रही हूँ गाइज, ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से इस लुक को डन करते हैं ना, बहुत ही ब्यूटीफुली आपका मेकअप टर्न आउट होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। नाउ आफ्टर दैट 30 सेकंड्स तक का वेट करना है आपको, ताकि पाउडर सेट रहे। इसके बाद ब्लश, एक ब्रश की हेल्प से आपको ब्लेंड करना है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे फिजिशियन फॉर्मूला का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड, आई थिंक मेरी ब्रॉन्जर ही है। एंड गाइज, इससे मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज कर रही हूँ। ये जो ब्रश मैं यहाँ पे क्यूटू से यूज़ कर रही हूँ ना, ये इस ब्रॉन्जर के साथ ही आती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बट ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से आपके फेस पे सूट होता है ये। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन का फिट मी ब्लश यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड रोज है। एंड इसे मैं अपने एपल ऑफ द ब्लश चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ इस ब्लश को, एंड मुझे अच्छा लगता है। एज यू कैन सी मैंने इसे नोज पे भी अप्लाई किया है, क्यूट लुक देता है। देन इसके बाद मैं लॉरियल पेरिस का यहाँ पे ब्रो आर्टिस्ट किट यूज़ कर रही हूँ गाइज, बहुत ही अच्छे से मेरी ब्राउज को सेट करता है। एंड आपने देखा होगा कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले आप सबके साथ शेयर किया था, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो, नेहा व्लॉग्स चैनल है मेरा, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ जाके देखिए। तो वहाँ पे मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, लॉकडाउन से पहले मैंने अपनी ब्राउज डन कराई थी और उसके बाद इतना टाइम हो गया मैंने ब्राउज को डन नहीं कराया है। सो ब्राउ आर्टिस्ट किट जो है मेरा, यही प्रोडक्ट्स मेरे बहुत यूज़ में आते हैं। इसके बाद मैंने हिलेरी रोडा पैलेट यूज़ किया है, इट्स अ मेकअप किट। लाइक यहाँ पे आपको लिपस्टिक से लेके आई शेडो से लेके हर चीज़ मिलती है, ब्लश वगैरह हर चीज़। तो इसे क्रीज एरिया पे मैंने अप्लाई किया है ब्राउन शेड को। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे एले गर्ल का जो मेरा कंसीलर था वो ही मैंने यूज़ किया है। और अपनी आईलिड पे ना फर्स्ट मैं उस कलर को प्लेस कर, सॉरी नॉट अ कलर, इस जो कंसीलर है इसको प्लेस कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। तो इसे क्या होगा, मैं इसे क्यों कर रही हूँ अभी देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। गाइज, ये आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। जो मैं पिंक शेड मैंने यहाँ पे हिलेरी रोडा पैलेट से यूज़ किया है ना, हिलेरी रोडा में मेरी 01 शेड है और वो मेकअप किट है। तो गाइज, ये बहुत ही अच्छे से ना पॉपी करके जो कलर है वो बहुत सुंदर करके टर्न आउट होता है, और जैसा एग्जैक्ट शेड आपके पैलेट में मेंशन है एग्जैक्टली वो मेरे आई पे ऐसा ही आया है। तो ये फर्क होता है अगर आप उसे एग्जैक्ट कुछ भी कंसीलर वगैरह नहीं लगाओगे एंड डायरेक्टली उसे लगा लोगे तो मे बी वो कलर जो है ना वो इतना ब्राइट नहीं करके आएगा, वो लाइट करके आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा पॉपी काइंड में मुझे शेड चाहिए था, बिकॉज यू गाइस कैन सी मैंने यहाँ पे बेसिक व्हाइट कलर का टॉप पहना है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर इसके साथ ही आई लुक जा रहा था। देन इसके बाद मैंने इनर कॉर्नर्स को फिल किया है गोल्डन कलर सेम पैलेट में से लेके, एंड मैं यहाँ पे एचआर का ये गोल्डन जो लाइनर है ये यूज़ कर रही हूँ। एंड एज यू कैन सी इसे अपने क्रीज एरिया पे मैं अप्लाई कर रही हूँ गाइज, इसे बहुत ही सुंदर आई मेकअप लुक आता है हमारा। आपके पास एचआर का ये कंसीलर, सॉरी नॉट अ कंसीलर, एचआर का, सॉरी टंग थोड़ा स्लिप हो जाती है। तो गाइज, यहाँ पे अगर आपके पास ये वाला आई लाइनर नहीं है ना, तो आप इसकी जगह ना गुड वाइब्स का या फिर बेलावोस्ट, बहुत सारे
शेड्स आते हैं इनमें, वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं यहाँ पे कलर बार का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ और इससे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ज़्यादा थिक मैं यहाँ पे लाइनर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ, वरना पता है क्या होगा, जो मेरा सुंदर सा आई मेकअप है ना वो बिल्कुल ढक जाएगा आईलाइनर की वजह से। तो मैं थोड़ा सिंपल काइंड में ही यहाँ पे आईलाइनर यू नो क्रिएट कर रही हूँ। विंग तक मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रही हूँ कि मेरा आई मेकअप ना पूरा यू नो अच्छे वाला टर्न आउट हो और शो हो। तो आप इसे एज अ यू नो रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पे जो शेड यूज़ कर रही हूँ वो इतना ज़्यादा यू नो चुभने वाला कलर नहीं है। देन इसके बाद मैं डबल एक्सएल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का, और उससे अपनी आई लैशेज को कर्ल कर रही हूँ। गाइस मैं यहाँ पे फेक लैशेज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया मैं सिंपल काइंड मेकअप चाहती हूँ, और ऐसे में अगर आप लैशेज लगाओगे तो बारिश में भीग के सब उतर जाएगा। देन इसके बाद फिजिशियन फार्मूला का मैंने यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ किया है। गाइस इसके लिए मुझे बहुत कॉमेंट्स आते हैं, इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी, मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रही हूँ, मेरा इंस्टा हैंडल नेम है नेहा लव्स फैशन, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी शेड इस लिपस्टिक में है बियर विद मी, एंड आपके बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आए थे, दी प्लीज लिपस्टिक बताइए, बहुत ज्यादा सुंदर है। मेरे आपको रिव्यूज में भी बहुत सारे मैंने कॉमेंट्स देखे थे। देन इसके बाद हिलारी रोडा पैलेट में से ही मैं यहाँ पे हाईलाइटर यूज कर रही हूँ, और एक फैन ब्रश की हेल्प से इसे जो भी हाईलाइटेड एरियाज है मैं वहां पर इसे अप्लाई कर रही हूँ। एंड यू गाइज कैन सी दी ग्लो, लाइक कितना सुंदर एक ग्लो आया है। आफ्टर दैट आपको कलर बार का फिक्सिंग सेटिंग स्प्रे यूज करना है, जिससे जो मेकअप है वो लॉक हो जाएगा। आफ्टर दैट जो इयर रिंग्स है वो शीन की तरफ से हैं, एंड जो मेरा टॉप है वो आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कहाँ से लिया था। सो दिस इज द फाइनल मेकअप लुक, एंड आई रियली होप कि आपको ये मेरा मेकअप लुक पसंद आया हो। पसंद आया हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाई।